वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं आपकी होस्ट करिमा और आप देख रहे हैं आपकी समस्या और सुजोग में इसके निदान। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुजोग थेरेपिस्ट प्रोफेसर लूथरिया और आज हम बात कर रहे हैं गेस्ट और स्टमक पेन के बारे में। दर्शकों, हमारा शरीर एक कुदरती मशीन है। अगर आप इसके साथ जरा सी भी लापरवाही बरतेंगे तो इसका असर फौरन दिखने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट का हाजमा सही रहे तो आपको जरूरत है एक संतुलित आहार खाने की, और अगर फिर भी कोई तकलीफ हो तो सुजोग है ना, बस जरूरत है तो सुजोग को सीखने की। आज प्रोफेसर लूथरिया हमें बताएंगे कि सुजोग में गैस और स्टमक पेन के उपचार क्या हैं। सुजोग थेरेपी में गैस का इलाज जो है बड़ा सरल है। नॉर्मली लोग जो खाना खाते हैं सब जगह पे और टाइम पे नहीं खाते हैं या कैसे भी, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है दवाइयों वगैरह से भी। तो यहाँ हमारे यहाँ एक पेशेंट बैठा हुआ है, उनसे हम पूछते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? प्रवीण। प्रवीण भाई, कहाँ रहते हैं आप? जोगेश्वरी में। और जोगेश्वरी में रहते हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ आए हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन आप बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम चालू कैसे हुआ? कम से कम 3-4 साल चालू हुए। 3-4 साल से? और क्या कर रहे हैं आप उसका? गोली खा रहा हूँ, दवाई। दवाई खा रहे हैं? दवाई से कुछ फायदा हो रहा है? इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये दवाइयों खाने से भी एसिडिटी बढ़ती है क्योंकि टॉक्सिन्स होती हैं, लेकिन वो बंद मत कीजिए। उसके साथ साथ आप ये प्रोग्राम चालू रखिए हमारा सुजोग का। बड़ा सरल तरीका है, जो आप अपने किचन में से ये हाथ दीजिए। ये देखिए, ये आपका शरीर है पूरा, ये आपकी लेग्स, ये आर्म्स, ये सर, और ये जो है लंग्स, हार्ट, ये आपका पेट है। प्रॉब्लम जो है वो आपके पेट में है, स्टमक में। अब स्टमक का प्रॉब्लम हम कैसे दूर करते हैं कि ये एरिया में आप अगर चार्ट में देखेंगे तो यहाँ आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी इधर ये जो एरिया है ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन की एरिया है। इसको हमें ट्रीटमेंट देनी है। दूसरा, यहां हमारा जो है एरिया, इधर हमारे यहां स्टमक, ये एरिया जो आपने देखी, ये सारे को हम ग्रीन कलर कर देंगे। ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये एक पत्ता उठाइए, ये तो नेचुरल है, और ये नेचुरल पत्ते को यहां रख के और इससे आप इसको टेप कर दीजिए। इसको आप टेप कर देंगे, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, ये हिस्से में आप लगाएंगे ये येलो स्टोन, ये येलो स्टोन आप इधर रखिए। ये कोई ज्वेलर से निकल नहीं आने का है, कोई भी येलो कलर भी चलेगा, यहां येलो स्टोन यहां लगा दीजिए। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको खर्चे में डाल रहा हूं कि आप ज्वेलर के पास जाके एक येलो स्टोन लेके आइए। यहां येलो स्टोन लगा दिया, यहां ग्रीन, क्योंकि ये स्टमक की एरिया, ये अपना इसकी है लार्ज इंटेस्टाइन की एरिया है। तो आप ये मशीन के साथ आप इसको ऐसा ट्रीटमेंट दीजिए, जैसे कि जो भी खराबी है इधर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ठीक हो रहे। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये दिन में करनी है, कारण कि ये जो कलर्स हैं उसका इफेक्ट सनलाइट के साथ होता है, यानी दिन की रोशनी जो है, सूरज की रोशनी, वो ज्यादा फायदा देती है। ये नहीं है कि ये सूरज में दिखाते रहने का है, नो, डे लाइट में अपने घर में भी बैठे हुए हैं तो भी आपका काम हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जाके धूप में जाके अपने हाथ
खड़ा कर दीजिए। ये सिर्फ दिन में लगा के रखिए, येलो स्टोन ग्रीन पत्ता, और इधर आप ट्रीटमेंट करेंगे 4 दफा। ये 4-5 घंटे लगा रहने चाहिए कलर्स दिन में, दिन में, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और यू विल बी ए परफेक्ट हेल्दी पर्सन। कैसा रहेगा ये? ठीक रहे, ठीक है, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ ज्यादा बात नहीं, नहीं। और आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।